सच बता रहे हैं दोस्तों, जंगल में यदि संत भगवान के दर्शन की जानकारी मिल जाती है तो मन जो है बहुत आनंदित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि जंगल में जो संत महाराज जी होते हैं उनसे अपूर्व तत्व ज्ञान मिलता है, और वो तत्व ज्ञान जो है आप सबको भी जब मिलता है तो आप सब भी महसूस करते होंगे कितने आनंद में आप रहते होंगे। तो आज फिर एक बार जंगल में ही संत भगवान के जानकारी मिली है, रहते हैं, कुटिया बना के रहते हैं, गांव के लोग बता रहे हैं, बरसाना में हम लोग इस समय हैं, तो चलते हैं और संत महाराज जी ने कैसे कुटिया बनाई है, किस तरह से रह रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कैसे तमाम जानकारियां करते हैं। महाराज जी की यहाँ कुटिया दिख गई है और महाराज जी की कुटिया तक पहुँचते हैं। ओ, महाराज जी की कुटिया दिखाई दे गई। कुटिया से पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा कि महाराज जी ने देखो कितनी अच्छी सब्जी लगा रखी है। बगीचा जो है महाराज जी का, ये बगीचा आप देखेंगे तो इस पर देखिए करेले जो है वो आ गए हैं, छोटे छोटे करेले आ गए हैं। और ठाकुर जी राधा रानी की पूजा के लिए जो है पुष्प फूल भी जो है वो मिलता रहे, उसके लिए महाराज जी ने उधर बगीचा लगाया हुआ है। बगीचे को भी देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं महाराज जी का ये बगीचा जहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं फूल के, और यही फूल चुन चुन कर राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। यही निश्चल भक्ति है, यही पवित्र भक्ति है, और ऐसी पुण्य भक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ जंगलों में जो संत महाराज जी करते हैं साधना त्याग, वही देखने को मिलेगी। वाह, ये कुटिया नजर आ गई है महाराज जी की कुटिया में प्रवेश की कुटिया आप देख सकते हैं महाराज जी ने बनाई हुई है। यहाँ अगर देखेंगे तो वही जो खेतों में होते हैं, चाहे अरहर है या फिर जो है खेतों में टटिया भी जिसे कहते हैं, बांस है, उनका प्रयोग करके ये कुटिया बनाई गई है, और इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि अंदर अगर देखेंगे एक तरफ दीवार जो है वो मिट्टी की, तो ऐसे ही हमारे गुरु जी रहा करते थे, यानी विश्वामित्र गुरु और हमारे संदीपनी गुरु, उनके आश्रम पहले समय पे हुआ करते थे। ये प्राचीन वृक्ष देखिए, ये हर जगह ब्रज में आपको दिखाई देगा, जैसे लगता है कि एकदम जो है कन्हैया जो है अपने ग्वाल बाल सखाओं को आपस में लिए हुए हैं, लपेटे हुए हैं और उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनसे आनंद के भाव के रस को ले रहे हैं, क्योंकि ब्रज से हमारे ठाकुर जी को, हमारे कन्हैया को अनुपम प्यार था, अनुपम स्नेह था, वही प्यार वही स्नेह हमारे ब्रज के वृक्षों में दिखाई देता है। दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसा वृक्ष आपको नहीं दिखाई देगा। महाराज जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि संत महाराज जी कुटिया में अभी हैं और दर्शन हो गया। बहुत बहुत दंडवत पूज्य महाराज जी के चरणों में, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत। ये महाराज जी की कुटिया आप देखिए, पहले आप सबको महाराज जी की कुटिया में हमारे ठाकुर जी राधा रानी का स्थान दिखाएंगे जहाँ पर विराजमान हैं। अभी शयन का समय है, शयन कर रहे हैं, तो ये कुटिया महाराज जी ने बना रखी है, और छोटी सी कुटिया में कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी आप एक छोटी सी कुटिया में भी आनंद में मगन में रह सकते हैं, लेकिन संत का भाव होना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि पूज्य संत महाराज जी के पास यहाँ पर मुझे बैठने का अवसर मिला, मौका मिला, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जब पूज्य संत महाराज जी के आज्ञा आदेश मिलते हैं तब मिलता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। इस कुटिया में रहकर मुझे लगता है कि जीवन की एक यात्रा शुरू होती है, और वो यात्रा यही है कि भाव और भक्ति में मगन रहें। ये तो सब राधा रानी की कृपा है, ऐसा नहीं तो नहीं चलेगा जी, ऐसा नहीं तो कुछ नहीं चल पाएगा। ये तो राधा रानी की कृपा है, आप खुद अपना हाथ में बनाया, कोई लेबर भी नहीं दिया जी, अपने हाथ से सब बनाए। दीवाल, दीवाल 10 इंची दीवाल जी, मिट्टी और ईटा देखे, शमशान में पड़ा था पुराना ईटा जी, कोई नहीं लेता, ऐसे मट्टी हो जा रहा जी। हम सोचा कि ये तो पड़ रहा, क्या करूं जी, और ये तो दिमाग खा लेता जी। दो बार बनाया था, एक बार रास्ता राह पर, अच्छा रोड का बाजू में था, खा लिया जी।
यहाँ जब आया 2 महीने तक ये खाली था जी, पर्दा देखे रहा था जंगल में, डर भी लगता थोड़ा थोड़ा, ऐसे कोई जंतु जानवर का डर नहीं जी, चोर का भी डर नहीं जी। कपड़ा देके और काटन था थोड़ा सा, काटन देके गिर गार के मैं राधा रानी के चरण पर चले जाता हूँ जी, परिक्रमा करके जी आता हूँ। और एक दिन सोचा था जी, इतना ईटा है मिट्टी है ये तो बना सकता जी, अपना खुद बनाते बनाते 7 महीने में सात पूरा तैयार कर लिया। 7-8 महीने लगा ये सिर्फ दीवार करने में, ये थोड़ा थोड़ा टटिया था इसे पतला जी। बहुत शीतलता है, संत की छांव में आने से ही मुझे लगता है कि शीतलता मिल जाती है। राधा रानी की कृपा हमको नहीं बाबा जी, हम कुछ नहीं उनके सामने, उनके चरण पर मेरा कुछ नहीं, सारे राधा रानी का कृपा है। अब जैसे मन में सोचेगा वैसे मिल जाएगा, ये राधा रानी की जगह है जी, ये जगह का धर्म है। ऐसे राधा रानी कृपा किया सबको, जितना संत है जितना ब्रजवासी है सबके लिए बहुत कृपा है जी। बहुत सारे भक्तों के मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, बोलते हैं हमें राधा रानी की कृपा नहीं मिल रही है, कैसे प्राप्त होगी, और ये संत भगवान से अच्छा मैं भी तो नहीं पाया राधा रानी को कृपा। कृपा होता है बुलाना पहले जी, जो कृपा होगा किसी को पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन सात रास्ता में चलना चाहिए जी। सात राह पर चलने से सब कुछ ठीक होगा, फिर भी ध्यान संध्या उनका पर भाव रहना चाहिए जी, मन का भाव उस पर पूरा अर्पण करना चाहिए जी, तन मन देह जितना है सब कुछ अर्पण करना चाहिए। हे राधा रानी, ये शरीर तो मेरा नहीं, तुमने सब कुछ दिया, ये सब तुम्हारा है जी, जी। एक बात में बोलता ना, वासुदेव सर्वम जी, वासुदेव सर्वम मतलब ऊपर नीचे दाहिने बाएं सामने पीछे जितना है, आप इधर घूम के देखेगा तो ठाकुर को ध्यान करके उधर भी देखेगा जी, इधर घूम के देखेगा तो इधर भी देखेगा, देख पाओगी जी। ध्यान चाहिए, लेकिन ध्यान चाहिए, भाव चाहिए जी। सामने बैठा तो आंख बंद करके ठाकुर जैसे देखता है ऐसे देखना से मिल जाता थोड़ा थोड़ा। ध्यान ज्यादा हो तो, भाव ज्यादा हो तो, ठाकुर का भजन ज्यादा हो तो उसके लिए तो सब कुछ जी। ये आज सुबह एक संत आया था, बोले मैं राधा रानी का थोड़ा लीला देखने चाहता हूँ जी। एक ब्रजवासी बहुत निष्ठावान है, वो जाके चुपा के एक जगह पर बैठ के राधा रानी को ध्यान कर रहा मंदिर पर, ये देख रहा सब कुछ। ये संत जो आया जी, वो बोल रहा इतना आदमी मंदिर के सामने दर्शन कर रहा, ये संत यहाँ बाहर क्या कर रहा, लेकिन बाहर क्या कर रहा बात कर रहा इतना मन मन ही मन मन ही मन। तो वो सुनता कि नहीं सुनता उसको ध्यान दूसरा जी, जो ध्यान में मगन है जी ब्रजवासी, और ये संत देख रहा है, संत बोल रहा है ये कैसे कर रहा, मैं भी ऐसा करके देखूं। वो जाके दूसरा जगह पर बैठ के राधा रानी का नाम ले रहा, राधा रानी का गुणगान कर रहा, करते 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 ये एक संत का बात है, सुबह बोला था मैं तो सुबह नहीं जाता शाम को जाता। दो तीन मिनट बाद राज रानी जैसा इतना एक सुंदर लड़की आया। ओ अच्छा, दिल्ली का बाजू से कौन जगह का नाम बोला था, वहां से आया जी, बोला था वो ही, उन्होंने बोला था वो लड़की बोला था मैं इतना जो वही जगह पर से आया। राधा रानी तो ऐसे बोलता है, मैं तुम्हारा गांव कहा, मैं ही है जी, मैं नाम क्या है, ऐसे नाम एक तो बोल दिया बस जी। कभी तो संतों का साथ सही से सही ढंग से नहीं बोलता है, तो समझ लेना चाहिए कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा।
बोलते वो ध्यान में देख देख रहा है, ध्यान में है लेकिन आंख तो बंद नहीं देख रहा। एक लड़की आके बैठा है, थोड़ा नजदीक नजदीक आके बैठा, अब कुछ बात नहीं किया ना, करते करते भजन करते करते देख रहा वो लड़की जाके थोड़ा दूर में बैठा। दूर जाके बैठते बैठते कुछ देर बाद तब बोले बाबा, बाबा को बुलाए, बाबा के साथ बात कर रहा, बात करते करते बाबा हम तो राधारानी को ध्यान करते हैं, थोड़ा प्रसाद लो जी। अच्छा, मंदिर के अंदर से प्रसाद ले आया, वो आया बाहर से, लेकिन वो संत इधर रहता है, इसके साहस में इसमें गुर्दा में नहीं दिया मंदिर अंदर का, मंदिर के अंदर जाना है जी। हम लोग भी चोरी में नहीं जाता, लेकिन उसके लिए प्रसाद ले आए। वो जो बोल रहा है इसे सुना है जी। तो प्रसाद उत्साह लेके थोड़ा बातचीत करके चले गया, बोले आप बैठिए भजन करिए, फिर आ रहा, दोबारा आ रहा हूँ। और कहा वो तो वही पहचाना नहीं जी, वही पहचान के जानकारी हो के ज्ञान आता, ज्ञान होता तो हुट करके उसका पैर पकड़ लेते। हाँ, पूरा तुरंत कि राधा रानी से अच्छा था कि अब कहाँ था इतना दिन जी, इतना ज्ञान नहीं, मेरे को कृपा करो। कृपा जी, अब तो ऐसे कृपा किया नजदीक आए जी, जानकार मेरे को और तेरा कृपा करो जी। मैं तो देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मिलता जी, मैं प्रसाद लेके चले आए। तो मैं भी थोड़ा मोड़ा कुछ एकदम समथिंग कुछ मिला, तो ऐसे ध्यान होना चाहिए, भजन होना चाहिए, मन का भाव होना चाहिए जी। जब इन तीनों का मिश्रण होगा तो जरूर कृपा होगी। मुझे बोल रहा है ना, हमारा तो कृपा, राधा रानी की कृपा, जैसे जैसे हमको ये खिला दो ये खिला दो, मन में बोला था मैं खिला दो, खिला देगा कोई जी, जी। काम करना होगा तब ना जी, एक पेड़ लगाने का बात हो, बड़ा होने दो, टाइम दो, उसका फल आएगा तब ना खा सकता जी। जो कुछ करो फल का आशा मत करो जी, जी। जो कुछ निष्काम होके काम करो लेकिन उसका आशा मत करो, सब कुछ फल देगा, फल देने वाला भगवान जी। हम लोग कौन है, मांगना से कुछ नहीं मिलता, आशा करके काम करना से भी कष्ट आता, दुख होता है, शांति नहीं मिलता, लेकिन हमने तो आशा है, जो काम कर रहा है आशा है कुछ नहीं होगा। निराश होके एकदम कोई आशा नहीं रखना चाहिए जी। मन में तब भी सब कुछ मिलता है, मन का भाव होना से सब कुछ मिलेगा जी। मन का भाव चाहिए, होना चाहिए। जंगल में है और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जंगली जंगल है, कैसे प्रसाद की व्यवस्था होती है, कैसे आपका मतलब भोग ठाकुर जी को कैसे लगाते हैं? मैं कभी कभी जो भक्तों लोगों ने चाल डाल दे के दिया, खाली हो गया जी, दो तीन दिन बाद थोड़ा सा खिचड़ी बना के देता हूँ, ये है सब कुछ जी जी। और ऐसे दोपहर को माधुपुरी करके देता हूँ, रात को भी माधुपुरी करके देता हूँ जी, सुबह रात का दूध रोटी रहता जी, कोई दे के बाल भोग देता हूँ, बस ऐसे जिंदगी गुजारना है और कुछ नहीं। तो ठाकुर के लिए कर रहा है, ठाकुर के लिए सब कुछ जी, देह मन पर प्राण सब कुछ दे दिया जी। जैसे चलाएगा ऐसे, वो सात रास्ता में चलाएगा तो ठीक है, असत रास्ता में चलाएगा तो वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब मंजूर है, जो कुछ मंजूर है जी, सब कुछ ठीक है, सब उनका कृपा है जी। तो आप सबको महाराज जी की कुटिया का एक बार फिर दर्शन कराते हैं, आप सब कुटिया का दर्शन देखिए, मोरपंख है और स्थान है ठाकुर जी का, राधा रानी का है, यहाँ पर महाराज जी के शयन की व्यवस्था है, मच्छरदानी की व्यवस्था है, जो भी एक छोटी धीरे धीरे व्यवस्था हो सकती है वो महाराज जी ने
कर रखी है। जंगल में बहुत सारे ऐसे पूज्य संत महाराज जी लोग रहते हैं जो साधना और भक्ति करते हैं। निश्चल भक्ति का स्थान जंगल ही है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षों वर्ष तक कठोर साधना त्याग तपस्या जंगल में ही हमारे संतगण ऋषिगण किया करते हैं। कहाँ से हैं महाराज? मैं तो बंगाल का। जी। तो प्रसाद व्यवस्था की कैसे व्यवस्था रहती है? प्रसाद सब माधुपुरी करता हूँ। अच्छा। और कोई कोई भक्तों ने देखे ज्यादा चाल डाल पैसा भी।